देश भर में आज ईद का जश्न मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद सभी की नजरें वहां के ईद सेलिब्रेशन पर टिकी हुई है। कश्मीर में फिलहाल हालात शांत बने हुए हैं और कश्मीरी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इस साल बकरीद का मौका एक्ट्रेस गौहर खान के लिए खुशियां लेकर नहीं आया है। वे ईद पर खुश नहीं हैं। गौहर खान ने ट्वीट कर बताया कि वे इस ईद पर दुखी हैं। इसकी वजह एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट में बताते हुए लिखा, जब कोई अपना करीबियों से एक हफ्ते से ज्यादा समय से बात नहीं कर पा रहा हो तो वो इसका दर्द समझ सकता है। शारीरिक, मानसिक, भावात्मक बेचैनी। मैं इस ईद पर दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, हर रोते हुए दिल के लिए, बिल्कुल मेरी तरह। मैं कश्मीर में अपने प्रियजनों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। दूसरे ट्वीट में गौहर खान ने लिखा, ईद मनाओ, खुशी बांटो, अपनी जिंदगी जीने का कोई भी पल नफरत, घृणा, विभाजन जैसे तत्वों को छीनने मत दो। अपने ही लोगों से गले मत मिलो, लेकिन दूसरे धर्म, कास्ट, जातियों, विश्वास को भी गले लगाओ, बस प्यार बांटो, ईद मुबारक। हालांकि गौहर खान की ट्वीट लोगों को खास पसंद नहीं आई। लोग गौहर खान को कश्मीरी पंडितों का हवाला देते हुए ट्रॉल कर रहे हैं। बता दें, कश्मीर में हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन अभी वहां पर संचार सुविधाओं को बहाल नहीं किया गया है। दूसरी तरफ ईद के मौके पर जम्मू में टेलीकॉम सर्विसेज को चालू कर दिया गया है। इंटरनेट की सुविधा तो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बंद है। इससे पहले आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद गौहर खान ने कश्मीरियों को लेकर चिंता जाहिर की थी। लिखा था, भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वो पूर्व राज्य की संचार सुविधाओं को बहाल करे। वहां पर परिवारों को एक दूसरे की सलामती जानने के लिए उनसे संपर्क करने की जरूरत है। बच्चे रो रहे हैं क्योंकि वे अपने माता पिता से नहीं मिल पा रहे हैं। अब बहुत दिन हो चुके हैं।